Good morning, dear students. Today we are going to read a next poem, that is Choosing Their Names, whose poet is Thomas Hood. This poem is about three kittens. Dear students, before going to read this poem, let's understand few word meanings. First is tabby, having dark colored marks on gray or brown fur. Ek aisi cat jiske ग्रे और ब्राउन कलर के फर पे डार्क कलर के मार्क्स होते हैं, स्पॉट होते हैं, लाइक दिस. स्लेंडर मीन्स लॉन्ग एंड थिन, लंबी और पतली. ऑफेंड मीन्स मेक समवन अपसेट, किसी को अपसेट कर देना, नाराज कर देना. फ्रिल, हेयर अ स्ट्रिप लाइक अ बॉर्डर, लाइक दिस बॉर्डर. टॉर्टोइस शेल, द हार्ड शेल ऑफ अ टर्टल, टर्टल की हार्ड शेल की तरह, दैट इज येलो ऑरेंज एंड ब्राउन, जिसके कलर कौन कौन से हैं, येलो ऑरेंज और ब्राउन. हेयर द कैट इज ऑफ दिस कलर, यहाँ कैट का है ये कलर, कौन कौन सा, येलो ऑरेंज और ब्राउन. सेट्स अप हिज बैक, हेयर इट मीन्स मेक हिम एंग्री, कैट को एंग्री कर देना, गुस्सा दिला देना, नाराज कर देना. नियर मीन्स नेवर. नाउ I'll explain you this poem stanza wise. Our old cat has kittens three. What do you think their names should be? हमारी cat, old cat के three kittens हैं. आपको क्या लगता है कि उनके नाम क्या होने चाहिए? One is tabby with emerald eyes and a tail that's long and slender. एक जो cat है वो tabby है, means उसकी ब्राउन और ग्रे कलर की फर के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं और उसकी आईज जो हैं ब्राइट ग्रीन कलर की हैं. एंड अ टेल दैट्स लॉन्ग एंड स्लेंडर, और उसकी टेल लंबी और पतली है. एंड इनटू अ टेंपर शी क्विकली फ्लाइज इफ़ यू एवर बाय चांस ऑफेंड हर, और गलती से भी तुम अगर उसे अपसेट कर देते हो, नाराज़ कर देते हो, तो गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है. I think we shall call her this. I think we shall call her that. मैं सोचता हूँ कि उसे ये बुलाएंगे हम, मैं सोचता हूँ कि हम उसे वो बुलाएंगे, means poet उसके नाम के बारे में सोच रहा है. Now don't you think that paper pot is a nice name for a cat? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी cat के लिए paper pot एक अच्छा नाम है? Paper pot means काली मिर्ची का pot. Next stanza. One is black with a frill of white and her feet are all white fur. और जो second वाली cat है वो कैसी है? Black color की है, जिसका border क्या है? White, और उसकी feet जो हैं वो white fur की हैं. If you stroke her, she carries her tail upright. अगर तुम उसे चोट पहुँचाते हो तो वो अपनी tail को ऊपर कर लेती है, like this, and quickly begins to purr. और जल्दी ही म्याऊ म्याऊ की आवाज़ करने लगती है. आई थिंक वी शैल कॉल हर दिस, आई थिंक वी शैल कॉल हर दैट. मैं सोचता हूँ कि हम उसे ये बुलाएंगे, मैं सोचता हूँ कि हम उसे वो बुलाएंगे. नाउ डोंट यू थिंक दैट सूटीकिन इज़ अ नाइस नेम फॉर अ कैट. आपको नहीं लगता कि इस तरह की कैट के लिए सूटीकिन एक अच्छा नाम है? सूटीकिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे बनाने में बहुत दिन लग जाते हैं और मंथ्स भी लग जाते हैं कई बार. यहाँ इस कैट के लिए यूज़ हुआ है, मींस इस कैट, ये कैट भी अगर नाराज़ हो जाती है तो इसे मनाने में बहुत टाइम लग जाता है. वन इज़ टॉर्टोइस शेल, येलो एंड ब्लैक विद प्लेंटी ऑफ वाइट अबाउट हिम. हिम मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेल कैट. और जो नेक्स्ट है वो कैट, उसकी शेल कैसी है? टॉर्टोइस जैसी. और कलर क्या है उसका? येलो और ब्लैक. विद प्लेंटी ऑफ वाइट अबाउट हिम, और काफ़ी हद तक वो वाइट कलर भी है उसमें. इफ़ यू टीज हिम, अगर तुम उसे चिढ़ाते हो, एट वंस ही सेट्स अप हिज बैक, तो वो जल्दी से ही गुस्से में आ जाता है, जो ये मेल कैट है. ही इज़ क्वॉलसम वन, नेवर डाउट हिम, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि वो लड़ाकू है, लड़ाई झगड़ा करने वाला है. आई थिंक वी शैल कॉल हिम दिस, I think we shall call him that. मैं सोचता हूँ कि हम उसे ये बुलाएंगे, मैं सोचता हूँ कि हम उसे वो बुलाएंगे. Now don't you think that scratch away is a nice name for a cat? तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी कैट का नाम क्या होना चाहिए? Scratch away. Scratch away means खरोंच मार के किसी को रिमूव कर देना.
उसके क्वालसम मीन्स लड़ाकू उसके बिहेवियर की वजह से उसको ये नाम दिया गया है। यस स्टूडेंट्स, यस द नेम ऑफ फर्स्ट कैट इज पेपर पॉट, सेकेंड इज सुटिकिन एंड थर्ड इज स्क्रैच अवे। डियर स्टूडेंट्स, रीड दिस पोएम वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पार्टिकुलर पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।